फार्मास्यूटिक्स में आज हम बात करने जा रहे हैं। चैप्टर हमारा है सेंट्रीफ्यूगेशन, और सेंट्रीफ्यूगेशन के एमसीक्यूज क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप डी फॉर्म या बी फॉर्म कुछ भी कर रहे हो, चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर्स के हो रहे हों या फिर आपके फार्मासिस्ट का हो, स्टेट फार्मासिस्ट का हो, आरआरबी का हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे पहले पार्ट में, और आप देखिएगा कि आपने कितने सवालों का जवाब सही दिया है। तो अपना वीडियो को पॉज करके आप पूरे क्वेश्चन के आंसर्स को ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शंस को, फिर आप सही ऑप्शन को चूज कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन रही आपके आपके सामने, और द इन ए 500 ग्राम विच ग्राम व्हाट डज ग्राम रिप्रेजेंट इन अकॉर्डिंग टू द सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। ये 500 इंटू जी है, तो इसमें जो जी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एज पर सेंट्रीफ्यूगेशन के हिसाब से, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन चारों है, ठीक है। जहाँ पे जी जो है वो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स है, और आप जानते हैं कि 500 इंटू जी का मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 500 गुना ज़्यादा है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज 500 टाइम ग्रेटर देन द अर्थली ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें से कौन सा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स नहीं है। सारे ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए। जी हाँ, सभी में है, लेकिन सिर्फ माइक्रो फिल्ट्रेशन को छोड़कर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एट व्हाट स्पीड डू यू सेंट्रीफ्यूज ब्लड, आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेशन जब होता है लैब में तो कितने आरपीएम पे इसको रखा जाता है, रोटेशन पर मिनट आरपीएम, एंड दिस इज अबाउट 2500 यानी 2200 to 2500, दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज टू सेपरेट सर्टन ऑर्गेनेल्स फ्रॉम होल सेल, ठीक है। सेल से ऑर्गेनेल्स अर्गर करने के लिए हम सिर्फ सेंट्रीफ्यूगेशन किस स्पीड पे रखते हैं या किसके द्वारा रखते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। फाइव, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूग, फाइव, एंड द राइट ऑप्शन इज ए स्क्रीन स्क्रोल सेंट्रीफ्यूग। सिक्स, व्हाट इज द रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन, एंड द राइट ऑप्शन इज डी बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑन पार्टिकल ऑफ साइज। सेवन, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन व्हेन सब्लिमेट सेटल्स क्लियर लिक्विड, सेवन, एंड द राइट ऑप्शन इज सी कैन बी डिकेंडेड ऑफ। एट, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन सब्लिमेट, अगेन ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेटल्स एट बॉटम। नाइन, फाइन इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी रिमूव थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, एंड द राइट ऑप्शन इज सी सेंट्रीफ्यूजिंग। टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और द एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन, चारों स्टेटमेंट देखिए कौन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। जी हाँ, और सही ऑप्शन है, इसके सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द मशीन दैट स्पिन्स इन द ऑर्डर टू सेपरेट आउट द कंपोनेंट्स मेकिंग ऑफ द मिक्सचर, तो आसान है, सबको पता है। जी हाँ, दिस इज द सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड इन द सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर, किसने इन्वेंट किया था इसको, 12, एंड द राइट ऑप्शन इज ए गुस्टाफ डिलेबल। स्टेटमेंट वन, इन बोथ सेंट्रीफ्यूग एंड सेडिमेंटेशन द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज रीच्ड आफ्टर अ सर्टेन टाइम। स्टेटमेंट टू कह रहा है कि द फॉर्मूला यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द वेलोसिटी इज द सेम फॉर बोथ ऑफ द प्रोसेस, क्या आपको बताना है कि दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, गलत है, या क्या दोनों सही हैं, आपको ये बताना है। जी हाँ, तो पहला वाला प्रोसेस स्टेटमेंट जो है गलत है, लेकिन दूसरा वाला सही, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 14, स्टेटमेंट वन अगेन पढ़िएगा, द जी नंबर इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी इन द सेंट्रीफ्यूग टू दैट द वेलोसिटी इन द सेडिमेंटेशन। स्टेटमेंट टू, द जी नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज जेड। 14 देखिए ध्यान से, बात दोनों सही कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, ट्रू एंड ट्रू। 15, विच फूड इंडस्ट्री इज सेंट्रीफ्यूज नॉट यूज, किस इंडस्ट्री में सेंट्रीफ्यूज का यूज नहीं होता है, आप चारों ऑप्शन देखें ध्यान से। जी हाँ, ये जो शुरू के तीन ऑप्शन है तीनों यूज होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही, यहाँ पे नन ऑफ द मेंशन्ड। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी बातें सत्य हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लास्ट ट्रेसेस ऑफ एल्केली और चारकोल आर रिमूव फ्रॉम बाई यूजिंग द सेंट्रीफ्यूग। 17, स्टेटमेंट वन, ट्यूबुलर बॉल सेंट्रीफ्यूग कैन हैंडल स्लरीज, ऑप्शन क्वेश्चन स्टेटमेंट टू है, ट्यूबुलर बॉल सेंट्रीफ्यूग कैन बी यूज फॉर थ्री फेज सेपरेशन। जी हाँ, दोनों की बात गलत हो रही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों फॉल्स है।
इट इन द एरिया ऑफ न्यूट्रल जोन इज सेंट्रीफ्यूगीज, क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रल जोन को जहाँ पे कोई सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं हो रहा है, उस जोन को क्या कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द बेसिकली बिटवीन द हैवी एंड लाइट लिक्विड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 19, इफ यू वेयर सेंट्रीफ्यूजिंग होल मिल्क विच वुड यू एक्सपेक्ट टू गेट फ्लरिंग फर्दर आउट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंट्रीफ्यूग। 19 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, द स्किम मिल्क। 20, हाउ डज सेंट्रीफ्यूगेशन वर्क, कैसे काम करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, एंड द राइट ऑप्शन इज सी, बाय कीपिंग लार्ज पार्टिकल इन द सेंटर एंड स्मॉल पार्टिकल आउटसाइड, ठीक है। 21, स्टेटमेंट 1, द रेडियस ऑफ द न्यूट्रल जोन डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द सेंट्रीफ्यूग, एंड द स्टेटमेंट 2 इज द मोर इज द रेडियस लेसर इज द जोन ऑफ द सेंट्रीफ्यूग। चूज योर ऑप्शंस, व्हिच वन इज करेक्ट, एंड द राइट ऑप्शन इज ए, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन इज स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द सेकंड इज फॉल्स। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एप्रोप्रिएट केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूग, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और फिर बताइए कौन कौन से ऑप्शन इसमें स्टेटमेंट सही है। चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप और ध्यान से पढ़ सकते हैं। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ जो आप अपने शायद वीडियो को पढ़ लिया होगा, और इसका सही ऑप्शन है कि इसका फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सही है, थर्ड वाला ऑप्शन जो है वह गलत है। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन इज फॉल्स, फॉल्स की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका फॉल्स है, द मोर मैसिव बायोलॉजिकल पार्टिकल इज द स्लोअर इज द मूव इन अ सेंट्रीफ्यूग फील्ड, अ प्रोसेस क्विकर देन फिल्ट्रेशन बट डू नॉट सो इफेक्टिव इज, एंड द राइट ऑप्शन इज डिकैंटिंग। 25, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन रिलाइज ऑन द डिफरेंसेस इन ऑफ बायोलॉजिकल पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट, आपको दोनों स्पेस भरने हैं, आप सही ऑप्शन चूज कीजिए कौन सा सही है यहाँ पे। 25, या ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सेडिमेंटेशन रेट एंड द साइज एंड डेंसिटी। 26, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ मिल्क द सुपरनेंट इज, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन में जो मिलता है सुपरनेंट उसको क्या बोलते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, जो घी निकलता है वो क्या होता है। 26, जी हाँ, वो दिस इज द वे, WHEY वे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे ऑफ प्यूरिफाइंग लिक्विड्स कंटेनिंग सस्पेंशंस, एंड द राइट ऑप्शन इज सी, सेंट्रीफ्यूजिंग। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन यूरेनियम एनरिचमेंट, एंड द राइट ऑप्शन इज सी, गैस सेंट्रीफ्यूज। 29, द सेंट्रीफ्यूगेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हेन अ फोर्स इज लेस देन द ग्रेविटी डिजायर्ड, एंड द राइट ऑप्शन इज बी, फॉल्स। 30, व्हाट इज द अप्लाइड सेंट्रीफ्यूगल फील्ड एट अ पॉइंट इक्विवेलेंट टू 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन एंड एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 3000 रेडियस पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको ये जी की वैल्यू दिया है, फॉर्मूला लगाना है, जी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, और कैलकुलेट करके बताइएगा, कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं। सही जवाब मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए सही है, 4.5 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, ये रहे आपके आंसर। और ये है मिस्टर आकाश मौर्य फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश, MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से हैं। थैंक यू सो मच आकाश जी, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के कलेक्शन के लिए। आप भी भेज सकते हैं हमको अपने क्वेश्चन, रजिस्टर करिए आज ही जाकर के jpat.kclpharmacy.com के साथ, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं लर्न एंड कॉन्सेप्ट के साथ। आप मुझे PPTs डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझसे बात करके, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पर इस आईडी के साथ फॉलो कर सकते हैं और आप मुझसे बातें कर सकते हैं। तो आपने कितने सवालों का जवाब सही दिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।